मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने उसके कंधे पे हाथ रख के उसको ये बोला कि यार इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू के बीच में ऐसा क्यों कर रहे हो। उसने सीधा ये बात बोली कि तूने मुझे टच कैसे किया। जब उसने इस बात को बोला कि तूने मुझे टच कैसे किया, तो मेरा भी फिर ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जी तू के है कौन, क्योंकि सीढ़ियाँ थी तो सीढ़ियों में सबसे ऊपर डॉक्टर साहब खड़े हैं, सेकंड नंबर पर जर्नलिस्ट है, उसके एक या दो स्टेप्स के नीचे उनके कैमरामैन हैं और कैमरामैन के जस्ट पीछे मैं खड़ा था और मेरे कोई तीन या चार स्टेप्स नीचे वही चार लड़के वहाँ पर थे। वो बाद में मैंने नोटिस किया, जैसे ही इंटरव्यू शुरू हुआ तो उन्होंने जो आजकल काफ़ी टाइम से बहुत एक हॉट टॉपिक है कि महाराजा हरी सिंह जी की बर्थडे पर छुट्टी क्यों नहीं, तो पीछे से उन तीन में से एक लड़का एक ब्लू शर्ट पहने हुए उसने बड़ी मतलब कि डिसरिस्पेक्टफुल टोन में और ऐसे इसको डोगरी में कहते हैं ना बड़क मारना या हुल्लड़बाजी, उस तरीके से बीच में हंसी और वैसा करके उसने बड़क सी मारी। तो मैं पहले भी मैंने मुझे लगा कि मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने उसके कंधे पे हाथ रख के उसको ये बोला कि यार इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू के बीच में ऐसा क्यों कर रहे हो। उसने सीधा ये बात बोली कि तूने मुझे टच कैसे किया। जब उसने इस बात को बोला कि तूने मुझे टच कैसे किया, तो मेरा भी फिर ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जी तू के है कौन, और शायद ये वीडियो ज़्यादा चली है। तो उस वक्त ये चीज़ हुई और जैसे ही ये चीज़ हुई तो मेरे को लगा कि ये मैंने गलत आदमी से बात कर ली है, ये बात का उल्टा जवाब दे रहा है, इससे बात करने का फ़ायदा नहीं है। मुझे लगता है प्रोफेसर साहब तो नए नहीं है इस यूनिवर्सिटी के लिए, अगर सीढ़ियाँ छोटी थी तो बड़ी कर देते, वो डिप्टी सीएम भी रहे और यहाँ के तो सरकार में भी रहे, अगर उनको लग रहा है कि छोटी चीज है तो बड़ी करना उनका काम था, तो हम भी तो यही कह रहे हैं, हम यही चीज़ें पूछेंगे, छुट्टी कब मिलेगी, रोजगार कब मिलेगा, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोर्सेज कब नए आएंगे, तो हमने गलत क्या पूछा। और उनके बेटे का तो कोई बनता ही नहीं था कि वो इस तरीके से वीडियो में आके तू तो वहाँ पर आ जाए, तो हमने ऑब्जेक्ट किया और हमने ऑब्जेक्ट करने के बाद जब वहाँ पे जम्मू परिवर्तन ने भी उसको कवर किया, हालांकि जम्मू परिवर्तन की न्यूज़ को दबाया गया, पॉलिटिकल प्रेशर के द्वारा दबाया गया, क्योंकि उनको पता था अगर उसमें सच होता कि डिप्टी सीएम ने हटाई है तो साफ तौर से वो न्यूज़ चल जाती, लेकिन उसमें ये था कि हमने ऑब्जेक्ट किया और डॉक्टर निर्मल सिंह जो थे वहाँ पर थे, इसलिए उन्होंने उस न्यूज़ को दबाया गया है। तो ऐसे मीडिया के चैनल जो हैं, मैं इनसे भी अपील करता हूँ कि आप सच्चाई दिखाने का जो है हौसला रखें, सच्चाई दिखाओगे तो जर्नलिज्म के एथिक्स बचे रहेंगे, अदरवाइज़ ये आप पर्सनल रिलेशंस की वजह से एथिक्स जर्नलिज्म के ख़त्म ना करें, क्योंकि जम्मू परिवर्तन का अभी तक लिंक नहीं आया, हमने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि हम वो न्यूज़ नहीं फ्लैश कर सकते, हमें पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं। तो मीडिया हाउसेस में ये साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि इंटरवेंशन तो कहीं ना कहीं भाजपा की है ही। अब देखिए ऑब्वियसली मैं अगर मीडिया उन्होंने नहीं की है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं की है, ठीक है, अगर कर सकते थे एक इंडिपेंडेंट मीडिया, जैसे अगर आप अभी मैं आपको इंटरव्यू देने से मना कर दूँ आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप वीडियो बना लो तो मैं कैसे आपका कुछ कर सकता हूँ रोकने के लिए, ठीक है ना। आज का टाइम है, इंडिपेंडेंट मीडियाज़ हैं, अपोजिट साइड का है, हर किसी के पास मतलब कि अपनी पावर है, वो कर सकता है, अगर वो करना चाहते थे वो कर सकते थे, लेकिन अगर आप बोलो कि कोई प्रेशराइज वगैरह, उसका मुझे तो नहीं लगता है सर। मोदी जी भी जम्मू से होकर चले गए, क्या आपने इस बारे में बात की, क्या छुट्टी मिल रही है? हमारा जब इतना ही पूछने की देर थी, पीछे से उनके सपुत्र निकल के आते हैं एक गुंडे की तरह, एक पीछे से कि पता नहीं उनके साथ बाउंसर थे, उस तरह से पीछे से आते हैं और बोलते हैं तू कौन है, उठा के ले जाते हैं, वीडियो में क्लियर देखें धक्का देते हैं, वहाँ से कोई गिर भी सकता था और उसको लग भी सकती थी, कोई ऊपर से अगर वहाँ हाइट से गिरता उनके धक्के से उसको लग भी जाती, कुछ भी हो सकता था, वो पीछे से आते हैं और वो धक्का देते हैं और कहते हैं तू कौन है, तू कौन होता है पूछने वाला। उनको शायद ये समझ नहीं आई आज तक राजनीति की, कि उनकी ये इतनी इमेच्योर ये, और उनकी फादर की भी, कि उनको ये चीज़ नहीं पता चली कि तू कौन है, कि क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, वो यूनिवर्सिटी में आए हैं, यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, क्वेश्चन पूछना हमारा हक बनता है और हम डंके की चोट पर पूछेंगे। लेकिन उस वक्त उसने वो मुद्दा पकड़ लिया था कि इसने मुझे टच किया, ये टच होता कौन है, टच करने वाला ये है कौन है, वो भी उसी टोन में कि जी तू कौन है, ये है कौन है, आपने डोगरी में भी सुना होगा ये है कौन है, ऐसे बार बार बोल रहे हैं। और इसके बीच में क्या हुआ कि जैसे ही आपका होता है कि
क्योंकि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, उनको भी लगा कि जो इंटरव्यू चल रहा था वो डिसरप्ट हो गया, डिस्टर्ब हो गया। उन्होंने नीचे आए, उन्होंने रोकने की कोशिश की, भाई ये क्या हो रहा है, मत करो ऐसा करके। और ऑब्वियसली एक जब जेड सिक्योरिटी पर्सन जब एंटर करता है, कहीं भी खड़ा होता है, तो उसके साथ सिक्योरिटी होती है। और वो इस वक्त जो सीढ़ियाँ थी वो बिल्कुल ऐसे बैक टू बैक पैक्ड थी, तो जब सिक्योरिटी स्टेप इन करती है तो उनको अपनी जगह बनानी पड़ती है। तो आपने देखा होगा कि ऑब्वियसली सिक्योरिटी फिर थोड़ी सी फोर्स यूज़ करती है, तो सीढ़ियाँ होने के कारण उन्होंने से जो जगह थोड़ा धक्का दिया होगा फोर्स ने, तो वो धक्का नीचे आते आते ज़्यादा हो जाता है ग्रेविटी के कारण, जो भी आप उसको कह लें। तो उस चक्कर में जो चीज़ें हुई, लोगों को धक्का लगना शुरू हुआ, तो उनको वो ऑफेंसिव लग रहा होगा, बार बार और ज़ोर से बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो उनका वर्जन सारा रिकॉर्डेड है, लेकिन मेरे बोलने पर ही जो हमारा व्यू है वो सामने आ रहा है। उनके कैमरा एंगल्स जहाँ जहाँ से आप देख रहे हैं, कितने वेल कवरिंग, अच्छी तरीके से कवर हो रहा है सब कुछ। तो इसका मतलब मुझे एक मानना मेरा है कि ये सारा प्री प्लान्ड था।